नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस की डिजिटल दुनिया में। चलिए आज बात करेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में। थोड़ी दिन से आपका ट्रेंड कर रहा है पोक्सो एक्ट, तो आपको जानने की एक लालसा ज़रूर आई होगी कि आपकी एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछा जाए, या फिर आपका इसके बारे में आपको जानना भी आवश्यक होता है। एग्जामिनेशन से परे भी आपको इन सब एक्ट के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोक्सो कानून है क्या। पोक्सो एक, पहली बात तो, एक शॉर्ट फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है पोक्सो का। तो पोक्सो जो है वो आपका यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी एक अधिनियम का एक संक्षिप्त नाम है। तो पोक्सो एक्ट जो है 2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे एक जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट 2012 बनाया था। तो 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा तय की गई थी, जिनमें आपका पास्को की जो अधिनियम थी धारा 7 और 8, उसके तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें आपका बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है, और इस धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने के बाद करीब 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और इस एक्ट को बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। कई बार तो बच्चे डर के कारण उनके साथ हुए शोषण को अपने माता पिता को भी बताने से डरते हैं और बताते भी नहीं हैं। बहुत सारे बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और इस एक्ट के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे तो जो यौन शोषण है उसकी परिभाषा क्या है, इसमें आपका यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला, इन सबको शामिल किया गया है। इनमें आपका भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की जो उम्र है वो 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब यह है यदि कोई व्यक्ति एक बच्चा सहित किसी भी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन कृत्य करता है तो उसको पोक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी ही है। यदि कोई पति या फिर पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ यौन कृत्य करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो यह अधिनियम जो है वो पूरे भारत पर लागू होता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों के लिए खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। तो जो पोक्सो कानून था उसके तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चों के माता पिता या फिर उन लोगों पर जिन पर बच्चा भरोसा करता है उनकी उपस्थिति में ये की जाने की कोशिश करता है। यदि आपका अभियुक्त जो है वो आपका किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण में मुकदमा चलाया जाएगा। यदि आपका पीड़ित बच्चा विकलांग है या फिर आपका मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बीमार है तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया या फिर विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। और यदि आपका अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो सजा को उस कानून के तहत होनी चाहिए जो कि सबसे सख्त हो। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और भी आता है कि इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व जो है अभियुक्त पर होता है। इसमें झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि को खराब करने के लिए सजा का प्रावधान भी है। तो पोक्सो एक्ट के बारे में संभवतः चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि इसमें क्या क्या आपको जानने लायक होता है और किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2012 में ये एक्ट आपका बनाया गया था। इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्ट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।